हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे पापड़ कटोरी चाट। हमने ना काफ़ी अलग अलग तरीके की ना कटोरी चाट ट्राई करके देखी हुई है, तो हमने सोचा ना इस बार पापड़ की कटोरी बना के देखते हैं। बढ़िया सी चाट बनाएंगे, इजी सी रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। प्याज को ना हमने बिल्कुल ऐसे ना चॉप कर लिया था बारीक, तो वो डाल दिया, एक प्याज डाला है हमने इसमें। हम ना पहले क्या करेंगे, चाट बना के रखते हैं, इसके बाद कटोरी बनाएंगे। तो इसमें हमने स्वीट कॉर्न भी डाल दिया, हम ना अपने हिसाब से डाल रहे हैं, जो जो चीज़ें हमें पसंद है वो डालते जा रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया टमाटर, टमाटर हमने इसमें आधा ही डाला था। ये सब चीज़ें ना हमने पहले से कटवट करके रखी हुई थी ताकि आसानी हो जाए, जल्दी जल्दी बन जाए सब कुछ। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें खीरा, खीरा भी हमने इसमें आधा ही डाला था। उसके बाद हमने थोड़े से डाल दिया इसमें उबले हुए मटर, और उबले हुए डाल दिया आलू। आलू हमने इसमें एक से दो डाले होंगे, ज़्यादा नहीं डाले। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी वाली चटनी। ये हरी वाली चटनी ना हमने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनाई हुई है, तो वो डाल देते हैं, एक चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालते। उसके बाद हमने एक से दो चम्मच डाल दिए इसमें इमली की चटनी के, दो चम्मच डाले थे, भर भर के डाले, ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है, तो आप ज़्यादा डाल लो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। नमक और चाट मसाला ये सब चीज़ें ना हम आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं। एक हमने इसमें डाल दी हरी मिर्ची, क्योंकि हम स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने पूरी ना स्पाइसी चीज़ बना दी। उसके बाद हमने लास्ट में इसमें हमने सोचा थोड़ी सी शेजवान सॉस भी डाल ही देते हैं, तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और तो हमने एक चम्मच इसमें ना शेजवान सॉस का भी लास्ट में डाल ही दिया। तो हमारी चाट तो बन गई है बढ़िया सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चाहिए पापड़। जो मसाला पापड़ होता है ना, उसको क्या करते हैं तवे पे अच्छे से सेक लेते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि पापड़ आपका पक गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका ना कलर चेंज होता जा रहा है। जब इसका कलर पूरा ऐसे ना एक जैसा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। दोनों साइड को ना अच्छे से सेक लेते हैं। अब जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर पूरा मतलब ऐसे चेंज हो गया, सिक गया अच्छे से, वैसे ही आपको क्या करना है, एक बड़ी वाली कटोरी लेनी है, उसके ऊपर इसको रख देना, और एक छोटी वाली कटोरी से ना ऊपर से ऐसे प्रेशर दे देना है। उससे क्या होगा, जो नीचे बड़ी वाली कटोरी है ना, उसकी शेप बना लेगा जो हमारा पापड़ है। तो जब ना पापड़ गर्म होता है ना, इसकी कैसी भी शेप बन जाती है, जैसे भी आप इसको मोड़ दो वैसा ये हो जाएगा। तुमने बस उसी टाइम का फ़ायदा उठाया है, मतलब ये ना कुछ सेकंड्स में ही करना पड़ता है, आप इसमें मतलब डिले नहीं कर सकते, तो ये आप अच्छे से बना पाओगे। हमने भी ना शुरू में एक दो खराब किए हैं, ये हमने तीसरी चौथी बार में बनाया है। और ख़राब करने को मैंने ये बोला है कि बस कटोरी नहीं बनी थी, खराब तो कुछ भी नहीं होगा, आप पापड़ ऐसे भी तो खा ही सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब पापड़ ठंडा हो जाता है, ऑफकोर्स वो बिल्कुल अकड़ जाएगा। तो बढ़िया सी हमारी कटोरी बन गई है। अब जो हमने चाट बना के रखी हुई है, उसको इसमें भर देते हैं। वो आपकी मर्जी, आपको कितनी डालनी है, हम तो भर भर के डालेंगे इसमें। अब इसके बाद हमने क्या करना, इसके ऊपर दही भी डालेंगे, क्योंकि चाट में दही मज़ा आता है ना, दही तो होना ही चाहिए चाट में। और इसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी डाल दी इमली की चटनी, और ऊपर थोड़ी सी हमने रख दी, मतलब आधा चम्मच के करीब हमने रख दी है हरी वाली चटनी। थोड़ा सा भुजिया भी डाल देते हैं ऊपर, मतलब थोड़ा सा ना देखने में भी टेम्पटिंग सी लगनी चाहिए ना चीज़, तो थोड़ा सा भुजिया डाल दिया। और एक हमने रख दिया बीच में ये स्वीट कॉर्न, वैसे तो अंदर बहुत सारा स्वीट कॉर्न डाला हुआ है, ये बस थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए, थोड़ा सा फाइनल टचअप देने के लिए एक ऊपर रख दिया था हमने ये ऐसे। तो लीजिए, हमारी बढ़िया सी पापड़ कटोरी चाट बन के तैयार हो चुकी है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, इसको बनाना बड़ा ही आसान है, बिल्कुल आसान है। कटोरी बनानी है, चाट बनानी है, सब कुछ मिक्स ही करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बच्चों को ना ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, वैसे बच्चों को नहीं, सबको ही बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना, और कमेंट करके बताना जब आपने बना के देखी तो आपके वाली कैसी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।